बाबा श्री चंद्र मैं पता कि मंदिर बहुत हो रही बहुत कुछ सुनू मिलता है। तुम हिस्ट्री से पन्ने देख के देखो आपको पता हो सब तो पहला गुरु नानक साहब ने पातशाह के शहनशाह बाबा श्री चंद जी ने क्या मात्रा साहब की बाणी आरता की जय नानक शाह हूं शहनशाह लफ्ज पातशाह लफ्ज अगली बेनती मैं पता है इतने सवाल उठेगा पुत्री कौल ना पालियो हां जी भी पुत्रों ने कहना नहीं मन जिस लफ्ज ये गल तो याद रखो गुरगद्दी विरासत नहीं जिदे उत्ते रब की धुर तो कृपा होवे गद्दी उस नूं मिलनी है यह गल मैं पता है साडे प्रचारक ने जिन्ना सेवा की उन्हें गद्दी पाई बाबे बुढ़े ने 113 साल सेवा की 125 साल पर गुरगद्दी ते बैठा नहीं नहीं गुरमुखो गुरु हरकृष्ण साहब ने डाकर ढोई थी कितने गुरु हरकृष्ण साहब ने कितने भांडे मांजे पहली गल तो सिखो मेरी बेनती सुनी कहो जी बाबा जी ने गागर ढोई इस करके नहीं ढोई के गद्दी मेनु मिले सांचे में धुर दरगाह तो लिखा सी गागर भी रब की बख्शिश बन के जे पुत्री कौल ना पाले नहीं पता है उदासी मां को कोल कर दिया जे पुत्री कौल भी ना पाले यह शब्द है ये दूसरे पातशाह वेले है जो गुरु रामदास का विला होता महाराज कहते हैं गुरु बाबे फिटके से फिटे गुरु अंगद कीते कुड़ियारे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या इन्हों हाथ विचारे गुरु चौथी पीढ़ी टिकिया निंदक दुष्ट सब तारे पर गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी च ने कहा मेरे पुत्र ने कर मिले तिरती वाली शब्द है काले पूत जगत हो सोभा गुरु घर च बड़ा सम्मान सी मैं बेनती करा श्रोमणी कमेटी को स्थान है पठानकोट बाढ़ साहब है ना जी उत्थे गुरु अर्जुन देव जी ने जे बाबा श्री चंद मैं शब्द वरतांगा हुण जेड़ी भी संपर्दा चलती याद रखो गंगोत्री जिथों निकलती है उतो बड़ी निर्मल रहती है समा पा के उहदे च महल आ जाती है कोई भी खतरे गंदी उत्पन्न होगी निर्मलता च होगी टाइम पा के उहदे अंदर गंदलापन आ जाता है दुनिया की हिस्ट्री मैं बेनती करा कि सन्मान योग बाबा श्री चंद जी उन्हां दा एक तां तुसीं सारे पढ़ते हो कि गुरु रामदास ने किन्ना अदब किया जो महाराज जी कोल गए दाड़ा देखिया ते पुछिया सी दाड़ा खास की बुलाया ते महाराज ने तो यह बटन नहीं सी महाराज तो बिल्कुल ही कहणगे जी कोई डिप्लोमेसी वर्सलेशन की तुहाडे चरण चाड़ी गुरु सम्राट दा कहण लगे महापुरखो आप जैसे महापुरुखों ने चरण चाड़ दिए गुरु रामदास देव ने शब्द कहने की देर सी बाबा श्री चंद जी ने निरंतर भेजा है कह लगे गुरु अंगद देव सेवा करके लै गए तुहाडे च प्रेम बड़ा गया ते सरोवर उदो पटिया जा रहा सी पक्का नहीं सी अमृत सरोवर के कंधे खलो के दिला तेरी इस सेवा में जरा पापी भी स्नान करे तुहाडा विकार होता कभी संतोष सिंह कभी संतोष सिंह के शब्द ने तो लिखता बाबा श्री चंद जी के देख निम्रता गुरु की श्री चंद पह प्रसन्न अंकित लीनी सेव कर तुमरे प्रेम आनंद तुमरी महिमा अधिक है कहिया ताहे बनाए तुमरे सर में जो मचे पापी भी कटता है गुरु अर्जुन साहब का वेला है महाराज गुरु हरगोबिंद साहब आप सब को पता है पांच बेटे उन्होंने मैं किसी दिन फिर मौका मिला पर डिटेल चला नहीं सिर्फ अज मैं संखेप की बेनती करनी उदासी संप्रदा का बहुत बड़ा योगदान सी हुण जे तुसीं सारयां नूं धक्के बाहर कढ़ रहे ना यह भैड़े रस्ते ना तुरियो मैं गल स्टेज ते नहीं करनी जिदन किते ये चिंगारी धोपी ना शब्दावली की तुसीं लड़ाई करदे हो यह शब्द साडा नहीं यह उन्हां दा उन्हां दा अगले कल मैं कहे तुहाडे गुरु का कहड़ा शब्द है मैं फिर बेनती करा इस तरह की बचकानिया हरकत ना करके मैं पता इसमें सुन के कई ने कहने शायद बटरी कर लिया मैं बटरी नहीं मैं पिंड भी किया गुरु हरगोबिंद साहब के पांच बेटे ने बाबा श्री चंद जी ने देखा तो क्या सी मेरे भी ने यही सी ना जी हाँ देखो यह शब्द एक ब्रह्मचारी शब्द वरता एक विहंगम दरख्त वरता उस भी एक भावना है कहते मेरे भी ने महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहते सारे थोड़े कहते मेनू एक दे दो बाबा गुरदत्ता जी बाबा श्री चंद जी ने दिते
तुम पता हो बाबा गुरदिता साहब का चेहरा गुरु नानक साहब न मिलता सी ते गुरु नानक साहब का विह भी बटाले होया ते बाबे गुरदित्ते का भी बटाले होया। महाराज ने कहा भी बाबा गुरदित्ता ही दिते गुरु हरगोबिंद साहब ने असीस दिती फिर गुरु हरगोबिंद साहब की असीस नाल हां जिथे कोई गल करनी चाहे मैं कोई एवं नहीं प्रूफ साहब चार धूने फिर बाबे गुरदित्ते बिठा गए ये धूना बाल के प्रचार करते सन ए बाबा अलमस्त जी बाबा फूल जी बाबा गोइंद जी ते बाबा हसना जी ए अलमस्त फूल गोइंदा ते हसना बालू हसना चलो वो हसना बालू नाम से असल हसना शब्द वरत्या मजाकी सन चार धूने सन जेडे रौला पाते हैं ना तुहाडे जो नानक माता साहब गया उत्थे इक पिपल है उस पिपल की थन से उदासी साधु बाबा अलमस्त ने धूनी ला के बजाया आप पता हो गुरु हरगोबिंद साहब के वे पिपल उड़ा साड़ दिता बाबा अलमस्त उत्थे बैठे गुरु नानक साहब पहला गए वह भी सारी थाने की नानक माता साहब गुरु नानक साहब वे पिपल सिद्धा ने उड़ाया हूं चलो सेवा वाले महापुरखों ने थले इटा ला दी कोई कारण हो सकता है डिगन का कारण तो नहीं होना मेरा ख्याल लोग खिच खिची नजर भेजे मैं हर साल लंघना जी उठे मैं जो पीली पीत में जाना मैं नमस्कार करके जाना बाबा अलमस्त वेले कन पाटे जोगियों ने फिर प्रसार दिता बाबा अलमस्त को मारिया उठा गुरु हरगोबिंद साहब पंजाब की धरती के समय सड़िया पिपल वे इस उदासी साधु ने कहा कि सतगुरु ये गुरु नानक साहब का बूटा सुख गया है महाराज फिर पंजाब तो नानक माता साहब है गुरु साहब देखो किन्ना अजब सी थान का गुरु हरगोबिंद साहब पीछे रोके अपना घोड़ा ते चरणा का जोड़ा ला दिता घोड़े ते चढ़ के नहीं गए कहते गुरु नानक साहब का स्थान असि जोड़ा पा के नहीं जाए वो गुरुद्वारा वखरा बने जो उ जोगिया ने दो मीरी पीरी दिया कर जे बाबा जी कहते से कोई कुट दियो देखो सिखो आप की करनी पे महाराज जो क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जवान बहुत जरा महाराज का कुड़ानी चोला पैन ना जी तुम हिसाब लाओ जी बाजू है ना महाराज का यह 42 इंच महाराज की बांह 42 इंच सिर्फ बांह है महाराज जवान बड़े समय घोड़ा 3 घंटे तो वह टाइम नहीं करता घोड़ा बदलना पैदा से महाराज महाराज जो गए जोगी नच गया अलमस्त मेरे बहुत प्यार से होया महाराज ने सीने में ला किया असि दिल तू रोल असि आए हाँ कहना महाराज पिपल सारता गुरु साहब ने केसर के छिटे मारे कह लगे सोखा कदी हूं अज भी तुम जानते हो दोनों देखो दोनों हिस्से जेड़ा दोबारा केसर ने बनाया ओरी चमक वखरी है पहले भी वखरी उत्थे पूछो कहने हर पत्ते उत्ते केसर का चिन्ह अज चलो मैं बेनती करा यह चार बार पुरखा ने तूने रमा के प्रचार किया उस तो बाद गुरु हर राय साहब तो बाद ते गुरु गोबिंद सिंह तक 6 बख्शा हो चार ए ने मैं फिर बेनती करा बालू हसना अलमस्त गुंडा ते बाबा फूल जी फिर 6 बख्शा ने इन्होंने चार धोने कहते ने वो 6 बख्शा चो भगत भगवान ये गुरु हर राय साहब ने उधर क्या 370 डेरे सन भगत भगवानिया के सिखो आप भाषा देखो 370 स्थान सन इंडिया च उन्होंने उदासी साधुओं के उस पहले भगत भगवानिए दूसरे गुरु हर राय साहब ने बख्श दी सुथरे शाही ये दूसरी बख्शिश तीसरी बख्शिश गुरु हर राय साहब ने दिखी सी संगत साधु फिर बेनती करा सुथरे शाही भगत भगवानिए संगत साहबी उस तो बाद चौथी बख्शे जीत मलिए पंजी बख्शे भक्त मलिए छेवी बख्शे भाई मुनिया साहब मैं बेनती करा इन्हों 10 संप्रदावान ने बड़ा प्रचार किया बस मैं एक गल तुम कह के हरिमंदर साहब च हूं जरा जल है तुम पता पर झोलों का भी पाने ट्रीटमेंट शुरू कर दिता चलो एक गल ठीक है भी असं समझते लिहाज क्या भी वाटर ट्रीटमेंट चाहिए पर याद रखियो
ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਬਦਬੋ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਤ ਸਾਜਨ ਸੁਣੋ ਕੰਮ ਸਾਜ ਮੁਕਿਆ ਦਾਦਰ ਨੇ ਕਾਦਰ ਰਚੋ ਇਸ ਤੀਰਥ ਮੈਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਗਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਲ ਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਗੋਲਡਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੰਸਲੀ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਨਿੱਕੀ 500 ਪੰਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀ ਦੀਜਾ ਫਿਰ 700 ਨਾਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਦੋਖ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਹੰਸਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਸਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੋਈ 700 ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਸਰੈਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 700 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਪਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅਮਰਧਾਰੀਆਂ ਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾ ਸਾਡੇ ਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਬੜਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਬਚੇਗੀ ਪੈਰ ਵੱਢੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੋਹਰੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ